हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम जियोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका जियोग्राफी सीरीज का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हम थ्री पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास तट, प्रायद्वीप, द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब तीन ओर से सागरों से घिरा होता है भूभाग, उसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। आर्कटिक में, अटलांटिक में, हिंद में या पैसिफिक में। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अफ्रीका यूरोप से पृथक होता है, किसके द्वारा पृथक होता है, किससे पृथक होता है। लाल सागर से, भूमध्य सागर से, अटलांटिक सागर से या फारस की खाड़ी से। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं भारत और श्रीलंका को कौन सा महासागर अलग करता है। हिंद महासागर, पाक जल डमरू मध्य, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा इसका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि कौन से दो देशों को पाक स्ट्रेट जोड़ती है। भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और चीन या ब्रिटिश और फ्रांस। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है। फारस की खाड़ी तथा अरब सागर को, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर तथा काला सागर को या लाल सागर तथा अरब सागर को। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लाल सागर तथा भूमध्य सागर। जो स्वेज नहर है वो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। प्रशांत और अटलांटिक, अटलांटिक और हिंद, हिंद और प्रशांत या अटलांटिक और उत्तरी सागर। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत और अटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीत ऋतु में पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसका कारण क्या है। ऊष्मा संचय, ग्रीष्म ऋतु विकास के साथ विश्राम के लिए, जल संचय या प्राणियों द्वारा खाने से बचने के लिए। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जल संचय। शीत ऋतु में पेड़ जल संचय के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। बीड़, डाक, तेंदू या आंवला। या सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेंदू वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि इग्लू क्या है। काला हांडी खाना बदोसों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु, या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु, गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एक्सिमो रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है और जिसमें एक्सिमो रहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेल कड़ी को, भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री कड़ी को, ईरान और मध्य एशिया के बीच की रेल कड़ी को, या भारत और नेपाल के बीच की रेल कड़ी को। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ईरान और मध्य एशिया के बीच की रेल कड़ी को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जापानी संगठन पेपर हवाई जहाज निर्मित करता है। जापान ओरिगेमी एरोप्लेन एसोसिएशन, जापान ओरिगेमी एरोप्लेन कांग्रेस, जापान ओरिगेमी काउंसलिंग या जापान ओरिगेमी यूनियन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, जापान ओरिगेमी एरोप्लेन एसोसिएशन। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो हमने इस वीडियो में रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज आपकी जो जियोग्राफी सीरीज थी उसका एक पार्ट खत्म हुआ है, यानी एक पार्ट में आपके फोर पार्ट थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। इन सभी क्वेश्चंस को, 72 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।